हाय फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक सीखने जा रहे हैं जो आप पढ़ते हो तब बहुत डिफिकल्ट लगता है और बहुत से लोगों को इवन आफ्टर ग्रेजुएशन भी ये टॉपिक नहीं समझ में आता है। इसके पीछे का कारण ये है कि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जनरल का नॉलेज ठीक से नहीं है और उसके कारण ये टॉपिक सबसे टफ जाता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या है? ये आपके जो एंट्रीज की गई है, आपका जो ट्रायल बैलेंस बनाया गया है, आप जो आगे प्रोसेस करने वाले हो, उसमें कुछ ना कुछ गलती हुई है और उस गलती को हमको ढूंढना है और उसको दुरुस्त करना है। आप सोचोगे सर ये तो बहुत सिंपल काम है, जहां पे गलती हुई वहां पे व्हाइट लाइन लगा देगी और विषय खत्म कर देंगे, तो ऐसे नहीं चलता। आपकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, उसको जाके आप चेंज नहीं कर सकते। अब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो गलती हो गई है वो दुरुस्त हो जाए, यानी आपको अपोजिट इफेक्ट देके वो चीज नलीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये एरर हुआ है पता कैसा चलेगा, उससे भी पहले एरर का मीनिंग क्या है और फिर उसको दुरुस्त कैसे करेंगे, कौन कौन से टाइप्स है हम देखेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए बहुत मजा आएगा। मेरी इस टॉपिक को पढ़ाने की मेथड थोड़ी सी अलग है। मैं एट ए टाइम सिर्फ एक ही एरर पे फोकस करूंगा, उसके आपको 10-12 एग्जाम्पल दे दूंगा, वो एग्जाम्पल देने के बाद आपको दुरुस्त करना है। पर आपके जो एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा वो ये चारों एरर का मिक्स आएगा और फिर आपको वो सारे एंट्रीज करने के बाद सस्पेंस अकाउंट तैयार करना पड़ेगा अगर पूछा है। एक्चुअली सस्पेंस अकाउंट तैयार करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका बैलेंस देते हैं वो आपके प्रॉब्लम से टैली होना चाहिए। अगर समय मिलता है तो मैं वो भी एक प्रॉब्लम दे दूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड, वो पहले आपको समझना चाहिए एंड देन उसके बाद हम एंट्रीज करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज बिना इंटेंशन के गलत हो जाए उसको एरर बोलते हैं, एंड एनीथिंग विच इज डन नोविंगली, जानबूझकर अगर आप कोई गलती करो तो उसको फ्रॉड बोलते हैं। एग्जाम्पल, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये वीडियो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो तो आपका 11 से लेकर आने वाला 5 साल बहुत ईजी जाएगा, फिर भी आप सुन नहीं रहे, ये फ्रॉड। आपको किसी ने बोला ही नहीं कि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए आप देख नहीं रहे हो, तो ये एरर है। आपको किसी की क्लास में किसी का मोबाइल गिरा हुआ मिल गया, आपने उठाया, कोई उसका मालिक नहीं था, आप यूज कर रहे हो, ये एरर। पर आप जानबूझकर उसका मोबाइल चोरी करके घर पे लेके गए हो, ये फ्रॉड है। तो अकाउंट्स में फ्रॉड के लिए कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, यू कैन ओनली डू द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो इंसानी स्वभाव है, ध्यान ना देने के कारण कुछ गलती हो गई उसको हम दुरुस्त करते हैं, दैट इज अ एरर। तो फ्रॉड इज अ क्रिमिनल एक्ट, उसके लिए सजा है, पर हम बात करेंगे एरर पे। तो एरर यानी कोई भी ऐसी गलती जो ह्यूमन बिहेवियर के कारण अनदेखे में हो जाए उसको बोलते हैं एरर। तो हमको एरर हुआ है पता कैसे चलेगा, आपको मैं आगे भी बताऊंगा, अभी भी बता रहा हूँ। हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है, आप सभी को पता है कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन होने के बाद हम उसकी एंट्री करते हैं, या तो जर्नल में या तो सब्सिडियरी बुक में। फिर वो सारे एंट्रीज लेजर में पोस्ट होते हैं। साल के एंड में हम सारे लेजर क्लोज करते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग। इसमें से 90% लेजर टैली हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जो लेजर में बैलेंस होता है उनका हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसका नाम होता है ट्रायल बैलेंस। अब अगर आपने यहां से लेके यहां तक सारी प्रोसेस ठीक की है तो 99% गारंटी है कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा, यानी आपके बहुत सारे एंट्रीज बराबर। पर कभी कभी इस ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है। आपने डबल एंट्री सिस्टम यूज किया है, यानी डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, पर ये नहीं होता है। तो इसमें अगर फर्क आ गया तो उस समय से, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मेरा ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट साइड का टोटल मेरा आ रहा है समझो 1,00,000 और क्रेडिट साइड का मेरा टोटल आ रहा है 90,000, तो मैं क्या करता हूँ फॉर टाइम बीइंग यहाँ पे 10,000 रुपए लिख देता हूँ सस्पेंस अकाउंट। यानी अभी मैं टैली करने के लिए बोल रहा हूँ कि ये 10,000 अज्यूम करो कि सस्पेंस है। फिर अब मेरा काम स्टार्ट होता है कि अरे बाप रे 10,000 की कहाँ गलती होगी, तो मैं पूरे ट्रांजेक्शन ढूंढते निकलूंगा
और निकलते निकलते फिर मुझे कहीं पे एक आध एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री मिलेगी जो मेरे हाथ से गलत हो गई, तो उनको हमको दुरुस्त करने के बाद ही फाइनल स्टेप पे जाना है, यानी ट्रायल बैलेंस टैली करना है और फिर हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस अगर टैली ना हो या गलत तरीके से टैली हो तो पक्के से उस प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ दिक्कत है, उस सॉल्वर के एंट्रीज में कुछ ना कुछ दिक्कत है, वो आपको दुरुस्त करना है। दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जब आप दुरुस्त करोगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको एरर्स के टाइप पता होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर टाइप पता चल गया तो प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल चार टाइप के एरर्स होते हैं। पहला होता है एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन यानी भूलना। दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन, यानी एंट्री की है पर उसमें कुछ आप मीन्स आपने कुछ हलगर्जी बना, मीन्स आप कुछ एकदम फॉर्मल थे और कुछ रह गया हिस्सा, पार्शियल रिकॉर्ड हुआ ट्रांजैक्शन, टोटल गलत हो गई, गलत लेजर आ गया, दैट इज कॉल्ड ओमिशन कमीशन। तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग है प्रिंसिपल, आपको लगता है कि ट्रांजैक्शन बराबर है पर वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अनुसार नहीं है, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। और फोर्थ कैटेगरी होती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। एक एरर होने के खातिर जब दूसरा एरर ऑटोमेटिकली हो जाता है उसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, या एक एरर छुपाने के लिए आपने और एक एरर कर दिया, दैट इज आल्सो कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। तो वो ऐसे चार कैटेगरीज है, हम वन बाय वन सारे देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सबसे ज्यादा एग्जाम्पल दूं, पर दोस्तों एरर आप तभी रेक्टिफाई कर पाओगे, क्योंकि जो गलत हुआ है वो कब समझेगा जब आपको पता हो कि सही क्या है। तो अगर आपका बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज, जनरल का टॉपिक ठीक से नहीं हुआ है तो आप कभी भी ये टॉपिक नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपको फिर सारी एंट्री सही रहेगी। तो हम जो ये एरर सीखने वाले हैं इसके लिए आपके बेसिक जनरल एंट्री ठीक चाहिए। मेनली हमको बहुत बार आपको इस पूरे टॉपिक में या आने वाले सॉल्वर में कुछ बैलेंसेस ऐसे वो पता होने चाहिए, जैसे परचेस हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, एसेट के सारे अकाउंट डेबिट होते हैं, लायबिलिटी के सारे अकाउंट क्रेडिट होते हैं, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, ये कुछ बेसिक चीज है। अगर ये आपको पता नहीं तो ये टॉपिक या जनरल एंट्री कभी नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले टाइप का एरर, जिसका नाम है एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन यानी भूलना। अब दोस्तों ओमिशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है दोस्तों पार्शियल ओमिशन और एक होता है कंप्लीट ओमिशन। एंट्री आधी रिकॉर्ड करना, आधी नहीं रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड पार्शियल, और एंट्री का कुछ पार्ट रिकॉर्ड करना, कुछ भूल जाना, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट। तो पार्शियल ओमिशन और कंप्लीट ओमिशन इस पे हमको बात करना है। तो पार्शियल ओमिशन क्या है, कंप्लीट ओमिशन क्या है और इसको कैसे पहचानो, बहुत सिंपल एग्जांपल है। अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्डिंग किया है, समझो परचेस सेल, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न, इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन आया आपने वहां पे रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसका सिंपल मीनिंग है कि वो पार्टी के अकाउंट में भी एंट्री नहीं गई। से फॉर एग्जाम्पल गुड सोल्ड टू रमेश नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, यानी सेल्स बुक में एंट्री नहीं है तो रमेश में हो ही नहीं सकती, इसको बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। यानी ट्रांजैक्शन अगर सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो करस्पॉन्डिंग लेजर में जाता ही नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन। और पार्शियल ओमिशन क्या है, सब्सिडियरी बुक में एंट्री हो गई पर उस रेस्पेक्टिव लेजर में नहीं हुई, सो दैट इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। एग्जाम्पल देता हूं, सेम ट्रांजेक्शन गुड सोल्ड टू रमेश नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, तो ये हो गया कंप्लीट ओमिशन। और सेम ट्रांजेक्शन गुड सोल्ड टू रमेश नॉट रिकॉर्डेड इन रमेश अकाउंट, ये हो गया पार्शियल ओमिशन। मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूं, आप ये कर सकते हैं। देखो मैं भी पहले लिख रहा हूं, नंबर वन गुड्स सोल्ड टू राम रुपीज 1000 नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, क्योंकि एंट्री पहले होती है सब्सिडियरी बुक में फिर जाती है राम के अकाउंट में। अब आपने अगर सेल्स बुक में एंट्री नहीं की, इसका मीनिंग होगा कि राम में तो होगी ही नहीं, सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन आपके ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि न तो राम में डेबिट हुआ है न सेल्स में क्रेडिट हुआ है,
अब इसको दुरुस्त कैसे करोगे? सबसे पहले आपको समझ में आ गया ये कंप्लीट ओमिशन है क्योंकि ये सेल्स बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो राम में भी नहीं होगी, तो ये हो गया आपका कंप्लीट ओमिशन। अब इसको दुरुस्त कैसे करना है? वेरी सिंपल, जस्ट पास द जर्नल एंट्री ऑफ द ट्रांजैक्शन। यानी क्या? गुड सोल्ड टू राम का एंट्री क्या होगा? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बस जर्नल बनाना है, ये एंट्री लिख देना है। इस टॉपिक की सबसे इजी चीज क्या है? तो नरेशन। आप जब भी नरेशन लिखोगे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, तीन वर्ड पहले लिखना है, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर, और ट्रांजैक्शन को कॉपी पेस्ट करना है, यानी गुड सोल्ड टू राम नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। हमेशा शुरुआत में नरेशन के लिखोगे बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर, और ट्रांजैक्शन को कॉपी पेस्ट कर दो अमाउंट निकाल के, गुड सोल्ड टू राम नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। सर और एक एग्जाम्पल ले लो, देखो ये सारे में कौन से ओमिशन पढ़ा रहा हूं आपको कंप्लीट, फिर हम पार्शियल देखेंगे सेम एंट्री का। अब समझो ये सेम ट्रांजैक्शन है और इसी को ही मैं आपको पार्शियल का एग्जांपल देता हूं। देखो बोर्ड ध्यान दीजिए, गुड्स सोल्ड टू राम रुपीज 1000 नॉट रिकॉर्डेड इन राम्स अकाउंट या नॉट पोस्टेड टू राम्स अकाउंट। अब इसका छुपा हुआ मीनिंग ये हो गया कि एंट्री सेल्स बुक में हो गई है, यानी एक जगह हो गई, कहां पे नहीं हुई है? राम में। सो दिस इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में एक ही अकाउंट इफेक्ट होता है, गुड्स सोल्ड टू राम का एंट्री आपके सामने है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैं फिर और एक बार लिख दूंगा यहाँ पे, देखिए इसका एंट्री होना चाहिए था राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट, एग्री। अब उन्होंने बोला है कि राम के अकाउंट में एंट्री नहीं हुई है, यानी सेल्स के अकाउंट में एंट्री हुई है, राम में नहीं हुई। तो राम में एंट्री कर बाबा, यानी राम को डेबिट करो, पर इसके साथ जोड़ीदार कोई नहीं है। जब वन साइडेड एरर होता है तो आपका जोड़ीदार रहेगा सस्पेंस अकाउंट, तो आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी? इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगा दोस्तों राम्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो डेबिट नहीं हुआ है तो डेबिट कर दिया, राम्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सस्पेंस अकाउंट। दिस इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन एंट्री, राम्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और एग्जांपल लेते हैं और एक देख लो, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम गणेश रुपीज 5000 नॉट रिकॉर्डेड इन गणेश अकाउंट। आप बताओ कौन सा ओमिशन हुआ है? अगर मैं बोलता कि गुड्स परचेस फ्रॉम गणेश नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, इट इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन, सॉरी कंप्लीट ओमिशन। और मैंने यहां बोल रहा हूं कि गणेश में नहीं हुआ है, तो ये कौन सा ओमिशन हो गया? पार्शियल। अब देखिए यहाँ पे गणेश अकाउंट में एंट्री नहीं हुई, तो ये पार्शियल ओमिशन है। जब भी पार्शियल ओमिशन आएगा आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाफ एरर है। तो देखिए अब पहले इसका मुझे आप एंट्री बताओगे, गुड्स परचेस फ्रॉम गणेश क्या होगा एंट्री, एंड देन अकॉर्डिंगली वी डू इट, ठीक है। देखो इसका करेक्ट एंट्री होने वाला है परचेस अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट, राइट, ये तो हो गया एंट्री। कहां पे एंट्री हुई है? परचेस अकाउंट में जो है एंट्री हो चुकी है। कहां पे एंट्री नहीं हुई है? गणेश, तो भाई गणेश को क्रेडिट कर दे, पर जोड़ीदार कोई नहीं है तो डेबिट क्या होगा? सस्पेंस। इसका आंसर आएगा दोस्तों सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि वन साइडेड एरर में एक ही एंट्री को दुरुस्त करना है, तो जोड़ीदार कोई नहीं है तो क्या लिखोगे? गणेश अकाउंट के साथ सस्पेंस। अब इसका नरेशन मैंने पिछली बार बोला बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर गुड्स परचेस फ्रॉम गणेश नॉट रिकॉर्डेड इन गणेश अकाउंट। अब यही सेम ट्रांजैक्शन मैं फिर से और एक बार दे रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, गुड्स परचेस फ्रॉम गणेश रुपीज 5000 नॉट रिकॉर्डेड इन
परचेज बुक या परचेज अकाउंट। तो अगर एंट्री परचेज बुक या परचेज अकाउंट में नहीं हुई है, इसका मीनिंग है कि गणेश में भी नहीं है, क्योंकि सब्सिडियरी बुक में पहले एंट्री होती है, वहां पे नहीं आने लेते हमें होगी नहीं। तो बोलो ये कौन सा ओमिशन हो गया? इट्स अ कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन को दुरुस्त करना सही में बहुत ईजी है, आपको जस्ट एंट्री पास करनी है। तो गुड्स गणेश से परचेस किया, परचेस हमेशा डेबिट होगा। इसका आंसर आएगा दोस्तों परचेस अकाउंट डेबिट टू गणेश। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आपको और दो तीन एग्जांपल देता हूं, आप ओरली मुझे बताइए। गुड्स रिटर्न बाय राजेश नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, कौन सा ओमिशन है? पार्शियल या कंप्लीट? कंप्लीट, क्योंकि गुड्स रिटर्न बुक में या सेल्स रिटर्न में एंट्री नहीं हुई। सेम ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न बाय राजेश नॉट पोस्टेड इन राजेश अकाउंट, कौन सा ओमिशन रहेगा? पार्शियल, क्योंकि राजेश लेजर है, सब्सिडियरी बुक में एंट्री हुई है। तो लाइक दैट वी कैन डिसाइड। और एक बार रिपीट करता हूं, अगर कोई भी एंट्री सब्सिडियरी बुक में नहीं हुई तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट ओमिशन। और कंप्लीट ओमिशन को दुरुस्त करना है तो जस्ट जनरल एंट्री पास कर दो। और कोई भी बुक, कोई भी एंट्री सब्सिडियरी बुक में हुई है, लेजर में नहीं पोस्ट हुई है उस व्यक्ति के अकाउंट में, तो उसको बोलेंगे पार्शियल ओमिशन। तो उसको दुरुस्त करने के लिए उसका अकाउंट लिख दो जो भी डेबिट क्रेडिट सही है, और उसका जोड़ीदार आएगा सस्पेंस अकाउंट। दिस इज द वे वी फिनिश द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर, जिसका नाम है दोस्तों एरर ऑफ ओमिशन। अब हम दूसरा एरर सीखेंगे जिसका नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल।